अर्की उपमंडल में लगातार लॉकडाउन का पालन सख्ती से किया जा रहा है। लोग भी घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रों के दौरान भी सावधानी के चलते सभी मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः बंद रहे। जिला सोलन के अर्की उपमंडल में लोगों द्वारा कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उपमंडल के लोगों का कहना है कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि कोरोना से बचने के लिए सरकार ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। सिटी चैनल से बात करते हुए लोगों ने बताया कि नवरात्रों में अपने परिवार के साथ ही घर बैठकर वे विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरह से दूरदर्शन पर एक बार फिर से रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक शुरू किए हैं, उसे एक बार फिर अपने बच्चों के साथ धार्मिक सीरियल देखकर दिनचर्या बेहद अच्छी बीत रही है। बच्चे भी इन धारावाहिकों का पूरा आनंद ले रहे हैं। हालांकि इस दौरान घरों में भी सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कि विश्व में आज बहुत बड़ा संकट कोरोना वायरस का चल रहा है, तो हम इसके लिए भी बहुत सावधानियां बरत रहे हैं। आजकल हमारे छुट्टियां हुई है तो हमारा दिन बहुत अच्छा बीत रहा है। हम रात को दादू और दादी के साथ रामायण देखते हैं और जब शाम होती है तो हम आरती पूजन करते हैं और ऐसे चलते हमारा दिन बहुत अच्छा बीत रहा है और हम सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रह रहे हैं। हम कोरोना वायरस को लेकर हम लोग काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं और जैसे कि आजकल सरकार द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं, हम उनका भी पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और नवरात्रों के दौरान जैसे कि आजकल मंदिर और बंद हैं, तो इस दौरान हम अपने परिवार के साथ घर में बैठ के पूरा दिन समय व्यतीत करते हैं और जो है शाम को आरती वगैरह करते हैं। और जैसे कि आजकल टीवी के माध्यम से रामायण महाभारत का भी प्रसारण किया जा रहा है, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी अच्छी शिक्षा मिल रही है और हमारा भी समय काफ़ी अच्छा व्यतीत हो रहा है। जिले में अभी तक सुखद बात यह है कि कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि सावधानी के तौर पर कुछ लोगों को क्वारंटाइन जरूर किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट।